वेलकम टू भाई की भड़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, कर दिया, चल पढ़ाओ। और दोस्तों सब बढ़िया? चलो तो आज की स्टोरी का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का मतलब तो तुम जानते ही हो, और रही बात डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि लोग कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं और डेमोक्रेसी इतने डाइवर्स लोगों से कैसे डील करती है। अब एक कहानी सुनते हैं 1968 ओलंपिक्स की। ये मेक्सिको में हुआ था। दो लोग, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जो 200 मीटर रेस में फर्स्ट और थर्ड आए थे, उन्होंने एक स्टंट मारा था। जब उन्हें मेडल्स दिए गए थे, उन्होंने अपने जूते नहीं पहने हुए थे और उनका एक हाथ हवा में ऊपर था और सर नीचे। तो ये पोज उन्होंने अमेरिका में हो रहे ब्लैक लोगों पे अत्याचार को दिखाने के लिए बनाया था। उनके जूते ना पहनना ब्लैक लोगों की गरीबी दिखाता था, और उनका एक काला ग्लव पहनना और मुट्ठी बंद करना ब्लैक लोगों की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था। और ये दोनों खुद भी ब्लैक थे। ये लड़ाई थी इक्वालिटी के लिए। ब्लैक्स चाहते थे उन्हें भी वाइट लोगों की तरह इक्वली ट्रीट किया जाए। ये लड़ाई स्लेवरी के खिलाफ थी, और इस लड़ाई को सेकंड पोजीशन पे आने वाले नॉर्मन, जो कि एक वाइट था और ऑस्ट्रेलिया से था, उसने भी इसको सपोर्ट किया। उसने अपना सपोर्ट एक ह्यूमन राइट्स वाला बैच पहन के दिखाया। इसके बाद उन दोनों के मेडल्स को वापस ले लिया गया, और नॉर्मन को ऑस्ट्रेलिया ने अगले ओलंपिक्स खेलने से रोक दिया। खैर जो भी हो, इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद पूरे वर्ल्ड का अटेंशन यूएसए पर आ गया था, और सब लोग यही डिस्कस करने लग गए थे कि यूएसए में ब्लैक्स पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो ये थी इनकी कहानी। वैसे कुछ भी कहो, पोज अच्छा था। और अब यहाँ यूएसए में ब्लैक और वाइट को इक्वली ट्रीट किया जाता है, और अब सब लोग डैब करते रहते हैं। आज का टॉपिक है डी से डैब। कूल प्लस एटीट्यूड प्लस न्यू हैंड मूव्स एंड डैब एंड डैब एंड डैब एंड डैब एंड डैब। चलो अगर तुम सब लोगों ने भी 5-6 डैब मार लिए हो, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यारो, ये सोशल डिफरेंसेस दो कारणों से आते हैं। पहला कारण तो होता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, जैसे हमारे स्किन कलर के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे। इधर हम चूज नहीं कर सकते कि हमारा स्किन कलर क्या हो या जेंडर क्या हो, और फिर जेंडर या स्किन के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में हमको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। दूसरा कारण है जिससे हमारी सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस आते हैं, वो बेस्ड होता है हमारी चॉइसेस पे, जैसे हम अपनी जॉब चूज करते हैं, या फिर हम गॉड में बिलीव करें या ना करें। ये सब हमारी चॉइसेस होती हैं, और इससे हमारी सोसाइटी में ग्रुप्स बन जाते हैं। और इन सोशल डिफरेंसेस से लोगों में कभी कभी एकता भी आती है, और कभी कभी दरार भी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, इंडिया में सब लोग पाकिस्तानियों की बुराई करते रहते हैं, और जैसे ही कोई इंडियन यूएस से चला जाता है और उधर उसे कोई पाकिस्तानी मिल जाता है, तो बस कहने क्या, सारी दुश्मनी खत्म। ना इंडियन को घंटा कुछ फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तानी को। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन किस रिलीजन से, कौन किस कास्ट से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही वो मिलते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। बैम, उधर यूएसए में अपने जैसा कोई भी दिख जाए, वही दोस्त बन जाता है। फर्क नहीं पड़ता कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, वहां सब चलता है। तो हमारे बीच जो डिफरेंसेस होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक ओवरलैपिंग और दूसरा क्रॉस कटिंग। ओवरलैपिंग में हमारे सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे के ग्रुप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सोसाइटी में लड़ाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए में ब्लैक्स और वाइट कम्युनिटी को देख लो। वाइट्स ब्लैक पे अत्याचार करते थे,
और उन्हें नुकसान पहुंचाते थे, जिससे सोसाइटी बट गई। क्रॉस कटिंग में हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और इससे सोसाइटी डिवाइड नहीं होती। जैसे नीदरलैंड में जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे, वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो दोनों ही कम्युनिटी इक्वल थी। लेकिन सेम सिचुएशन नॉर्दर्न आइलैंड में भी थी। यहाँ पे भी यही दो ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, पर यहाँ सोसाइटी डिवाइड हो गई, क्योंकि इधर कैथोलिक्स गरीब थे और प्रोटेस्टेंट अमीर। चलो अब हम भी इस चैप्टर को यहीं हाफ में डिवाइड कर देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। I'm not afraid of the dark.